हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आशालता लिविंग नेचर से। फ्रेंड्स, आज मेरा बैकयार्ड गार्डन में जो कुछ हार्वेस्ट होगा आप लोगों को दिखाएंगे और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आप तो फ्रेंड्स आज फिर आप लोगों को दिखाएंगे मेरा गार्डन का ओवरव्यू और कुछ कुछ हार्वेस्ट भी करेंगे मेरा बैकयार्ड गार्डन का। तो ये सब देख लीजिए फ्रेंड्स, देखिए ग्रेप्स है। छोटा सा जगह में हुआ, छोटा एक गुच्छों में हुआ क्योंकि अभी हम इसको ऐसे देखिए फ्रेंड्स, मेरा ऐसे रख दिया, इसका जगह चाहिए। हम टेरेस पे इसको ले जाएंगे तब ये ठीक से इसका ग्रेप्स होगा, नहीं तो देखिए फ्रेंड्स ये हम मैंगो के पेड़ में ऐसे लटक के रख दिया जब मेरा काम हो रहा था। तो फिर भी ये ठीक ठाक है। तो अभी टाइम नहीं मिल रहा है ऊपर ले जाने का, तो जब ऊपर ले जाएंगे तो ये अच्छा से फरेगा। और फ्रेंड्स ये देखिए मैंगो, तो इस साल आप लोगों को हम बताया मैंगो अच्छा नहीं हुआ, तो फिर एक दो हुआ वही अच्छा लग रहा है। और थोड़ा थोड़ा देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा हम सब किए, ज़्यादा नहीं है। अभी गार्डन में पूरा जो ड्राई लीव्स है पूरा गिरा हुआ है। और इधर मेरा बनाना तो बहुत अच्छा है, इसमें उधर आप लोगों को हम दिखाएंगे। एक बनाना का फ्लावर भी आ गया, फिर आ जाएगा दो तीन गो फटाफट आ जाएगा। और इधर लीची भी बहुत अच्छा हुआ। और चीकू तो बहुत अच्छा हुआ, भीतर आप लोगों को ठीक से दिखाई नहीं दे पा रहा है, हम तोड़ भी लिया। तो फ्रेंड्स एक चीकू आप लोगों को हम तोड़ के दिखा रहे हैं, इधर देखिए ये चीकू। गिर गया, तो फ्रेंड्स देखिए ऐसा करके हम इस सब चीज को तोड़ लिया। देखिए ऐसा करके थोड़ा दिक्कत है, इसलिए ठीक से हम वीडियो करके आप लोगों को ठीक से नहीं दिखाई दे पा रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, और ये तोड़ने में दिक्कत है फिर भी खाने में तो बहुत टेस्टी है। और फ्रेंड्स देखिए मेरा जो वाटर एप्पल का फ्लावर देख लीजिए फ्रेंड्स, अभी सब खिल गया तो अच्छा ही होगा। सब देख लीजिए फ्रेंड्स, और ये ग्रीन वेराइटी है फ्रेंड्स, बहुत मीठा है। और इधर सब पाइन एप्पल देखिए फ्रेंड्स, हम कल दो दिन पानी नहीं दिए, अभी बहुत गर्मी है तो पूरा ड्राई हो जाता है, तो इसलिए पानी इस टाइम देना चाहिए थोड़ा थोड़ा। और इधर देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा मालबेरी अभी स्टार्ट हो गया पकने का, तो ये भी थोड़ा बहुत हम ले लेते हैं।
ये थोड़ा बहुत छोटा छोटा होता है, तो इसका नीचे कोई कपड़ा उपड़ा दे के तोड़ लीजिएगा तो उसके ऊपर सब गिरेगा, तब उतना दिक्कत नहीं होगा। तो अभी हम ज़्यादा नहीं हुआ तो इसलिए आप लोगों को हमें ऐसे दिखा रहा है, और जब ज़्यादा होता है तब ऐसे करके तोड़ लेने से कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें तो बहुत सारा गुण है फ्रेंड्स, और ऐसे भी टेस्टी भी लगता है। तो अभी थोड़ा सा हुआ हार्वेस्ट, अभी स्टार्ट हुआ, और ये पौधा को तो हम एकदम केयर नहीं लेते हैं, ऐसे पड़ा हुआ है इधर गार्डन में पूरा। देखिए फ्रेंड्स, ड्राई है ये जगह, तो फिर भी हमको ये फ्रूट्स देते रहता है। और चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा करके मेरा गार्डन देख लीजिए। और लीची तो बहुत हुआ, बहुत सारा लीची हुआ। लीची इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत मीठा होता है, इसलिए बाहर से आके पूरा खा लेता है। तो फिर भी हम लोग को कुछ कुछ मिलता है, और इधर सब गुआवा भी सब हो रहा है। तो इधर पूरा छावा है, फिर भी जो जो हो रहा है वही अच्छा है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा जो स्टार फ्रूट का पौधा, ये हम काट दिए, तो अभी इसमें कुछ नहीं, अभी इसमें कुछ नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ लीव्स है। तो फिर मेरा स्टार फ्रूट भर जाएगा। और फ्रेंड्स, मेरा जैक फ्रूट तो इस बार देखिए फ्रेंड्स, इधर पूरा भरा हुआ है, एक ही साथ तीन ठो हुआ, तो इसको हम काट लेंगे। और उधर गंधरा फ्लेवर में है, ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो कार्डमम का फ्लावर है, इसमें पानी देना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इधर भी इसमें फ्लावर आया, कैसे होगा कार्डमम पता नहीं। तो ये लेमन में भी बहुत लेमन आ रहा है, तो अभी छोटा छोटा है और गर्मी के कारण से उतना जल्दी नहीं बढ़ पा रहा है।
और इधर सब देखिए फ्रेंड्स, अनदर सब पूरा भरा हुआ है। और ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पसंदीदा देखिए सबसे अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स देखिए, इधर एक मैंगो गिरा छोटा सा। ये देखिए छोटा छोटा मैंगो अभी गिर जा रहा है, तो ये हम उठा के ले जाते हैं। ये खाने में टेस्टी लगता है। इधर भी एक ठू गिरा है, घर का है फ्रेंड्स। जो होता है छोटा मोटा वही अच्छा लगता है। जो गिर जाता है छोटा में भी काम में आता है, और जो बड़ा हो जाता है उसका वो तो काम में आता ही है। सब देखिए फ्रेंड्स, सब गिर गया। और इधर सब पूरा, इधर भी मेरा पूरा अनारस पाइनएप्पल पूरा भरा है। और ये चिली का पौधा देखिए फ्रेंड्स, सूख गया। और चिली भी बहुत अच्छा था, पानी हम नहीं डाले तो ये सूख गया। और फ्रेंड्स देखिए, इस समर में भी मेरा टमाटर अभी देखिए कितना अभी पूरा है देखिए, तो फिर ये सब हार्वेस्ट हम करेंगे। पूरा अप्रैल महीना तक, पूरा अप्रैल महीना मेरा टोमेटो एकदम होते रहेगा।
ज़्यादा दिन हो जाता है तो ज़्यादा पक जाता है और कीड़ा भी लग जाता है, बार्स भी आके खा जाता है। और फ्रेंड्स देखिए, ये टोमेटो का पौधा ये सूख जा रहा, फिर भी इसमें बहुत टोमेटो है। तो ये अभी ज़्यादा पक्का नहीं है, तो फिर जो पक गया वो तो हम तोड़ लेंगे। ऐसे भी ये घर में रख देने से ये पक जाएगा। पूरा हम तोड़ लेंगे छोटा मोटा जो है। नहीं तो ये धूप से और खराब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, तो फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा शाग भी हार्वेस्ट कर लेंगे। और ये सब पार्सलिन शाग है फ्रेंड्स। और ये तो कारपेट वीड, आप लोगों को हम बताया, ये थोड़ा कड़वा लगता है, फिर भी इसमें गुण बहुत है, तो इसलिए ये हम गार्डन में रख दिया। और खाने में बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। और ये मेरा धनिया है, थर्निकरी अंडर है, ये तो बहुत इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है फ्रेंड्स। और ये गार्डन में हर टाइम होते रहता है। और इधर भी देखिए, ये भी कारपेट हुई यहीं पर हो गया, तो ये ले लेंगे उठा के। और ये भृंगराज भी हुआ, ये भृंगराज भी उठाएंगे क्योंकि। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाइल्ड एरम अभी स्टार्ट हुआ, ये भी उठा लेंगे। और मेरा बैकयार्ड गार्डन में ज़्यादा कुछ नहीं है, तो फिर भी थोड़ा थोड़ा जो मिलता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इधर भी कारपेट वीड है, ये भी हम उठाएंगे। ये देखिए, और फ्रेंड्स देखिए, इधर सब ब्रिंजल ये सब छोटा मोटा हो रहा है। और फ्रेंड्स इधर देखिए, मेरा
बनाना फ्लावर एक ठो आ गया और ये सब पौधा मोटा हो गया, इसमें भी आ जाएगा जल्दी जल्दी। और सब इधर इधर भी मेरा ये वाइल्ड एरम है फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स अभी स्टार्ट हुआ इसका लीफ हार्वेस्ट करने का। तो थोड़ा थोड़ा करके हम हार्वेस्ट सब कर लेते हैं। और शाक तो आप लोगों को हर बार हम बताया मेरा बहुत पसंद है, तो इसलिए मेरा गार्डन में जो कुछ है 99% ऑफ एडिबल चीज़ है मेरा गार्डन में फ्रेंड्स। तो इसलिए जो कुछ लीजिएगा सब कुछ एडिबल है। और ये सब देखिए ये वाइल्ड एरम है, ये सब स्टार्ट हो गया, अभी हम इसको हार्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को हम दिखाते रहेंगे। और एक जैकफ्रूट हुआ और ये देखिए ये भी और फ्रेंड्स इधर मेरा कारी लीफ ये भी थोड़ा सा हार्वेस्ट हर बार हम करते हैं। और इधर से देखिए फ्रेंड्स मेरा लीची देखिए, लीची देखिए फ्रेंड्स पूरा काकरोल का पौधा में देखिए फ्लावर आना आ गया। तो ये सब फीमेल फ्लावर है फ्रेंड्स, मेल फ्लावर नहीं है इसलिए ठीक से नहीं हो रहा है। तो एक दवाई लाया हम, तो वो स्प्रे करने से होता है, तो अभी पता नहीं इस बार हम लाया है, देखते हैं होगा कि नहीं। और ये मेरा एस्पैरागस, ब्यूटीफुल एस्पैरागस। और ये देखिए चिली इधर एक ठो है, इधर चिली का पौधा है। और ये मेरा कोकोनट का पौधा, पूरा सब कोकोनट मेरा, कोकोनट तो खूब होता है फ्रेंड्स, एक बार लगा दीजिए लाइफ टाइम आपका कोकोनट मिलते रहेगा। और इधर ये मेरा शुगर एप्पल का पौधा है, तो इसमें अभी फ्लावर आएगा। और सब इधर देखिए सब पाइन एप्पल है। थोड़ा थोड़ा करके जो कुछ मिलता है बहुत मिल जाता है, वही अच्छा लगता है। और ये देखिए फ्रेंड्स मेरा कैरेट का फ्लावर आ गया, तो इसमें सीड्स आएगा। और चिली ये देखिए फ्रेंड्स बाहर आई चिली, अभी थोड़ा स्टार्ट हो रहा है। और फ्रेंड्स देखिए इधर छोटा पॉट में मेरा वाटर एप्पल का फ्लावर आया। अभी मेरा गार्डन में वाइल्ड एरम पूरा भर जाएगा।
सब लेटर्स है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फिर आज देखिए मेरा बैकयार्ड गार्डन से कितना सारा वेजिटेबल हार्वेस्ट हुआ देखिए फ्रेंड्स। इस समर में तो इतना वेजिटेबल्स तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे भी मेरा बैकयार्ड गार्डन में उतना कुछ होता नहीं क्योंकि पेड़ बहुत बड़ा बड़ा हो गया। फिर भी देखिए फ्रेंड्स ये मैंगो हार्वेस्ट हुआ, हार्वेस्ट मतलब गिर गया और ये हम हार्वेस्ट कर लिया और ये तो मेरा काम में आएगा अभी। और ये टोमेटो देखिए फ्रेंड्स, टोमेटोज तो बहुत हार्वेस्ट हुआ, तो और ज़्यादा नहीं होगा, और एक बार होगा लगभग, ज़्यादा नहीं होगा। तो अच्छा लग रहा है इस टाइम इतना सारा टोमेटोज हार्वेस्ट हो रहा है। और एक बेल गोभी हार्वेस्ट किए और एक कारी लीफ हार्वेस्ट किए। तो कारी लीफ तो आप लोग देखा मेरा गार्डन में बहुत है, तो हम थोड़ा थोड़ा हार्वेस्ट करते हैं। और ये चिली थोड़ा सा हार्वेस्ट हुआ और ये करियंडर लीफ, हनी करियंडर लीफ, ये थोड़ा सा हार्वेस्ट किया। ये लेटस और ये मालबेरी देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा आज हार्वेस्ट हुआ। और ये है गंधरस लेमन, ये दूगो हार्वेस्ट हुआ। और ये चीकू देखिए फ्रेंड्स, 7-8 गो हार्वेस्ट हुआ। अभी मेरा पेड़ में बहुत चीकू है तो तोड़ने में थोड़ा दिक्कत है, तो हम इतना से तोड़े तो यही हार्वेस्ट हुआ। और एक जैक फ्रूट्स, ये जैक फ्रूट्स मतलब ये चोड़ बनाएंगे ड्रॉ जैक फ्रूट्स, जैक फ्रूट से जो सब्जी बनता है वही बनाएंगे। और ये वाइल्ड एरम है, ये भी थोड़ा सा हार्वेस्ट किए। और ये कारपेट वीट हम लोगों को हम बताया, ये बहुत अच्छा है। और ये थोड़ा सा शाक हार्वेस्ट हुआ। तो यही था आज मेरा बैकयार्ड गार्डन का हार्वेस्टिंग वीडियो। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। मिलते अगले वीडियो में, हैप्पी गार्डनिंग।